मंगल भवन अमंगल हारी सुदशर अजीर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंग दशरथ अजीर बिहारी द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी दशरथ अजीर बिहारी श्री राम जय राम जय सिया राम जय सिया राम करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी त्रिपुरारी हो त्रिपुरारी त्रिपुरारी हो त्रिपुरारी त्रिपुरारी हरषी सुधासम हरषी सुधासम गिरा उचारी हरषी सुधासम गिरा उचारी जय सिया राम
सचिव सहित दो भाई, सीता सचिव सहित दो भाई, सिंहबेरपुर पहुँचे जाई, सिंहबेरपुर पहुँचे जाई, सिंहबेरपुर पहुँचे जाई, सिंहबेरपुर पहुँचे जाई, उतरे राम देव सरी देखी, उतरे राम देव सरी देखी, कीन दंडवत हरषु बिसेखी, कीन दंडवत हरषु लखन सचिव सिंह किए प्रणाम, लखन सचिव सिंह किए प्रणाम, सबही सहित सुख पायऊ राम, सबही सहित सुख पायऊ राम, गंग सकल मुद मंगल मूला, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनि सब सूला, सब सुख करनी हरनि सब सूला, सब सुख करनी हरनि सब सूला, मंगल मूला मंगल मूला, गंग सकल मुद मंगल मूला, गंग सकल मुद मंगल मूला, मंगल मूला मुद मंगल मूला, मंगल मूला मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनि सब सूला, सब सुख करनी हरनि सब सूला, कई कई कोटि की कथा प्रसंगा, कई कई कोटि की कथा प्रसंगा, राम बिलो कई गंग तरंगा, राम बिलो कई गंग तरंगा, कई कई कोटिक कथा प्रसंग, कई कई कोटिक कथा प्रसंग, राम बिलो कहीं गंग तरंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा, गंगा तरंगा गंगा तरंगा, सचिव ही अनुज ही प्रिय ही सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई, मज्जनु कीन पंथ श्रम गयउ सुचि जलु पियत मुदित मन भय। हे तार देखो ना कितनी सुंदर मात मैया भागीरथी की यह पवित्र धारा कल कल करती हुई प्रवाहित हो रही है, ऐसा हमारे पूज्य गुरुदेव ने बताया कि इन देव नदी को हमारे पूर्वज भगीरथ जी इस धराधाम पर लाए, इसी कारण से इनका नाम भागीरथी गंगा पड़ा और इनका दर्शन समस्त पापों को हरने वाला है। अरे इतना ही नहीं, इनका नाम देव नदी गंगा ऐसा है, सब सुख करण ये सब सुखों को देने वाली और सारे तापों को हरने वाली है। क्यों ना, मेरा मन ऐसा कहता है कि हम सभी लोग इनके जल को स्पर्श करें, इनके जल में मज्जन किया जाए, कितना सुख का अनुभव होगा। आओ हम सभी इनके जल में मज्जन करें। राघवेंद्र सरकार ने गंगा की महिमा का वर्णन किया, सबने सुना और मेरे स्मरण में एक बात आई, करते तू नैमिष क्षेत्रे करते, सतयुग में नीम सार का महत्व सबसे अधिक है।
त्रेतायाम च पुष्करे, त्रेता में पुष्कर का महत्व सबसे अधिक है। द्वापरे च कुरुक्षेत्रे, द्वापर में कुरुक्षेत्र का महत्व है, लेकिन कलौ गंगा विशिष्यते, कलयुग में गंगा जी का विशेष महत्व है। सरकार वर्णन करते हैं कि गंगा पाप हरती है, गंगा पापम शशि तापम, कुछ ऐसी ही कथाएं चल रही थी। उसी बीच आगे का दृश्य बढ़ता है, विनय जी मानस का मूर्ति समर्पित कर। सुमज्जनु की पंथ श्रम गया, मज्जनु की पंथ श्रम गया, सुचि जल पिया था मुदित मन भया, सुचि जल पिया था मुदित मन भया, सुमिरत जाई मिटई श्रम भारू, सुमिरत जा तेही श्रम यहा लौकिक व्यवहारू, तेही श्रम यहा लौकिक व्यवहारू, लौकिक व्यवहारू, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, शुद्ध सच्चिदानंदमय आनंदमय आनंदमय, शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल के, शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल के, चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर से तू, चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर से तू, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, यह सुधि गुहा निखात जब पाई, यह सब सुधि गुहन खाद जब पाई, सुधि गुहन साध जब पाई, मुद दिलिए प्रिय बंधु बुलाई, मुद दिलिए प्रिय बंधु बुलाई, यह सुधि गुहा निखाद जब पाई, यह सुधि गुहा निखाद जब पाई, मुदित लिए बंधु बुलाई, प्रिय बंधु बुलाई, प्रिय बंधु बुलाई। ये रथ हमारी नगर की ओर आ रहा है और इस रथ में सूर्य वंश का पताका है। चलो ये सूचना अपने महाराज को दी जाए, महाराज के जीवन की जय जयकार हो। अरे भाई, इस प्रकार आतुरता पूर्वक तुम हमारे दरबार में आए हो, क्या कोई नवीन समाचार? हाँ महाराज, अपने नगर की ओर एक रथ आ रहा है। नगर की ओर एक रथ आ रहा है? हाँ। रथ में ध्वजा देखी गई? हाँ महाराज,
कौन सा चिन्ह है उस ध्वजा में? वो सूर्यवंश की पताका फहरा रही है उसमें। सूर्यवंश की? हाँ, ऐसा लग रहा है अयोध्या क्या रथ है महाराज। उसमें सुमंत्र जी उस रथ को चला रहे हैं। भाई तुम्हारा कहना ठीक ही है, हमारे परम मित्र चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ अपने ज्येष्ठ पुत्र को अयोध्या का राजा बना रहे हैं। उनके राज तिलक में हमको भी सम्मिलित होना था। हो सकता है आचार्य वशिष्ठ जी ने उन्हें गंगा स्नान करने के लिए भेजा हो, तो महामंत्री सुमंत के साथ वो इधर गंगा नहाने आ रहे हो। महाराज वो गंगा में तो मज्जन करके हा? पर वो रथ अपने नगर की ओर आ रहा है, पुनः अयोध्या की ओर वापस नहीं जा रहा है। क्या ये सचमुच तुमने अपनी आंखों से? मैंने देखा है महाराज। अपनी आंखों से देखा है? हाँ हाँ। तो सुमंत के साथ में कौन है? सुमंत के साथ में बनवासी वेश में है तीन। क्या कहते हो? हाँ हाँ, बनवासी वेश में। हाँ हाँ, आश्चर्य, बनवासी वेश में जिसका राज तिलक हो रहा है वो वनवासी वेश में? अकेले नहीं महाराज। ऐसा करो, दो राजकुमार हैं और एक उनके संग में राजकुमारी भी है, नारी भी है। ऐसा करो। हाँ महाराज, इसमें कुछ भी विचार न किया जाए। भाइयों सब लोग तैयार हो जाओ और भेंट सामग्री ले लो, चल करके हम स्वयं मिलते हैं और स्वयं देखते हैं। राज को यही पता है कि वो राजा बनना चाहते थे, तो अब एक राजा जब दूसरे राजा से मिलेगा तो भेंट तो होनी ही चाहिए। तो ये परस्पर भी भेंट है और भेंट लेकर ही भेंट करने के लिए चल रहे हैं। लिए फल मूल भेंट भरी भारा, लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चले मुहिया हर्षु अपारा, मिलन चले मुहिया हर्षु अपारा, करि दंडवत भेंट धरी आगे, करि दंडवत प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे, 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 सहज सनी विवस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। आओ सखा कहो, सब प्रकार की कुशलता तो है ना तुम्हारे राज्य में? सब कोई सकुशल तो है ना तैत? कहो सखा अपनी कुशलता कहो। हे नाथ, आज आपके इन चरण कमलों के दर्शन करके मेरे जीवन में कुशलता ही कुशलता आ गई। आपके ये चरण हमने अपने नेत्रों से इनके दर्शन कर लिए। देवता नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग ओ भाजन जन देखे। आज इन चरण कमलों के दर्शन करके मेरी गणना तो भाग्यवान पुरुषों में हो गई। देवता सब कुछ आपका है, देव धरन धन धाम तुम्हारा, मैं जन नीच सहित परिवारा, सब कुछ आपका है, ये धरणी धन धाम परिवार, मैं तो आपका एक तुच्छ नीच सेवक हूं। जैसी कृपा आज आपने मेरे ऊपर की है,
हे रघुराई ऐसी ही कृपा आप मेरे नगर के लोगों के ऊपर कर दे, कृपा करिए पुर धारिय पाऊ थापिय जनु सब लोग से हऊ। आप जिस समय मेरे नगर में मेरे श्रृंगवेरपुर में जाएंगे, लोग आपके दर्शन करेंगे, मेरी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, मेरा भाग्य सदैव सदैव के लिए स्थापित हो जाएगा, हे कृपालु ऐसी कृपा करें। हे सखा तुम सत्य कहते हो, तुम्हारे द्वारा जो कुछ भी कहा जा रहा है वह सब सही है, लेकिन जानते हो मेरे पिताश्री ने तो मुझे कुछ और ही आज्ञा दी। पिताजी ने? हाँ। कौन सी आज्ञा दी? मोहि दीन पितु आयसु आना। और वो आज्ञा क्या है? 14 वर्ष तक वन प्रखंड में रहना है, किसी ग्राम या नगर में जाना ये उचित नहीं है तात, नहीं तो मैं तुम्हारे नगर अवश्य चलता। राम लखन सिय रूप निहारी, साथ में सब पूर्ववासी भी आए थे निखादराज के नगर के, उन्होंने जब देखा और सुना भगवान के द्वारा कि 14 वर्ष तक ये तो किसी नगर गांव में भी नहीं जाएंगे। राम लखन सिय रूप निहारी, कहीं सप्रेम नगर नर नारी, ते पितु मातु कहउ सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। तब निखाद पति उर अनुमाना, तरु सिंसुपा मनोहर जाना। शायद मैं आपसे अपने नगर में चलने को न कहता तो मुझको ये पता भी नहीं चलता कि आपको वनवास मिला क्यों है। इस बात से आपसे ये जानकारी तो हमें प्राप्त हो गई, आपको 14 वर्ष का वनवास मिला है। आप सत्य प्रतिज्ञ हैं राम, मैं आपको बात नहीं करूंगा कि आप नगर में चले, लेकिन मैंने निवेदन किया है, उस निवेदन में कुछ तो आप स्वामी हमें दें, ताकि ये याद रहे कि निषाद के यहां श्री राम आए थे। दे सको न दर्शन तो केवल अमर विश्वास दे दो, दे सको न दर्शन तो केवल अमर विश्वास दे दो, तृप्त मिल पाई न कोकिल को विरह के गीत गाते, क्षण मिले मधुमास के पर सरों से वेद जाते, तो न छाया मेघ की केवल सजल आभास दे दो, दे सको न दर्शन तो केवल अमर विश्वास दे दो। अमर विश्वास के रूप में आज की रात्रि आप हमारे यहां रुके, मैं एक उचित स्थान आपको दिखाता हूं। भगवान ने जब कहा कि हमें न तो नगर में प्रवेश करना है किसी, और न किसी राजा या नगर में किसी भी वस्तु को यदि लाया जाए तो उसका भी हमें ग्रहण नहीं करना है, तब निषाद ने ये व्यवस्था की। और जो बंधु थे बांधव थे तत्काल वो सुंदर वन के फल लाए जो भेंट में दिए, और इसके बाद इस शीशम के वृक्ष के नीचे, सिंसुपा माने शीशम, शीशम के वृक्ष के नीचे परमात्मा राम के लिए समीचीन उचित उपयुक्त स्थान निषाद राज ने दिया। विनय जी इस बात को मानस के माध्यम से प्रस्तुत कर रघुनाथ ही ठाऊं देखावा, लई रघुनाथ ही ठाऊं देखावा, लई रघुनाथ ही ठाऊं
दिखावा। कहे राम सब भांति सुहावा, कहे राम सब भांति सुहावा। ये तो सब प्रकार से सुहावना है, कितना सुंदर स्थान है तात। ठीक रहेगा प्रभु यहाँ पर, बहुत ही सुंदर। ये साथरी भी है यहाँ स्वामी। पुरजन करी जोहारु घर आए, पुरजन करी जोहारु घर आए, रघुबर संध्या करण सिधाए, रघुबर संध्या करण सिधाए, रघुबर संध्या करण सिधाए, संध्या करण सिधाए, संध्या करण सिधाए, रघुबर संध्या करण सिधाए, रघुबर संध्या करण सिधाए। गुह समा सवारी साथरी दसाई, सवारी साथरी दसाई, उस किस ले मैं मृदुल सुहाई, मृदुल सुहाई, फल मूल मधुर मृदु जानी, सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, तो ना भरी भरी राखे सी पानी, तो ना भरी भरी राखे सी पानी। सुमंत्र भ्राता सहित कंदमूल फल खाई, हाँ कंद मूल फल खाई, मैं मूल फल खाई, शयन सयन कीन सयन कीन। अब प्रभु करन लागे सयन, करन लागे सयन, करन लागे सयन, अब प्रभु अब प्रभु करन लागे सयन, करन लागे सयन, करन लागे सयन, अब प्रभु करन लागे सयन, करन लागे सयन, करन लागे सयन, हो सयन कीन रघुवंश मणि पाय पलोटत भाई, राम जी पाय पलोटत भाई। राम जी ने शयन किया और लक्ष्मण भैया चरण दबा रहे हैं, पैर दबा रहे हैं, क्योंकि रघुवंश मणि हैं तो निषाद राज ने उनकी सुरक्षा के निमित्त कुछ किया। उठे लखन, उठे लखन, उठे लखन, कब प्रभु सोवत जानी, कही सचिव ही सोवन मृदु बानी। पितृभाव प्रतिष्ठित श्री सुमंत जी महाराज, रात्रि अधिक हो गई है,
प्रभु विश्राम कर रहे हैं। चाहता ये हूं कि अब आप भी विश्राम करें। आपकी अवस्था अब उस योग्य नहीं है कि अब रात्रि भर जाग सके। आप विश्राम करें, तब तक मैं देखता। कछु कह दूरी, कछु कह दूरी, कछु कह दूरी, सजीवान सरासन। कछु कह दूरी, सजीवान सरासन, जाग न लगे वीरासन। जागन लगे बैठे वीरासन। गुह बोलाई पाहरू प्रतीति, गुह बोलाई पाहरू प्रतीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीति। भाइयों, महाराज महाप्रभु श्री राम इस समय शयन कर रहे हैं। सोते समय कोई भी हिंसक जीव हमारे प्रभु के पास ना सके, इसलिए सुरक्षा में सब लोग जगह जगह पर खड़े हो जाओ, और मैं स्वयं नहीं आगे की ओर मैं स्वयं रहूंगा, तुम लोग इधर रहो। जगह जगह पहरेदार नियुक्त कर दिए, और उसके बाद निषाद राज राम जी को जब सोते हुए देखते हैं तो उनके मन में जो पीड़ा होती है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहां विस्तार से वर्णन किया है। लक्ष्मण जी जाग रहे हैं, साकेत में तो पंक्तियां हैं, जाग रहा है कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। वो कौन जाग रहा है? अवस्था कम है लेकिन योगी के समान है, और किसकी रक्षा में जाग रहा है? तो कहा, मृत्युलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने ये कुटी आज अपनाई है। थोड़ी सी संपत्ति की रक्षा के लिए बड़े बड़े इंतजाम करते हैं, यहां तो तीन लोक की लक्ष्मी कुटिया में शयन कर रही हैं, जिसकी रक्षा में लक्ष्मण जैसा वीर योद्धा जाग रहा है। तो आइए निषाद का अभिनय, और इसके बाद निषाद और लक्ष्मण जी के बीच का ये चरित्र निश्चित ही जीवन में उतारने के योग। आप लखन पही बै जाई, आप लखन पही बैठे उजाई, कटी भाथी सरचाप चढ़ाई, कटी भाथी सरचाप चढ़ाई, सोवत प्रभु ही निहारी निखाद, सोवत प्रभु ही निहारी निखाद, भयव प्रेम बस हृदय विषादू,
पुलकित जल लोचन पहाई तन पुलकित जल लोचन पहाई जल लोचन जल लोचन पहाई बचन सप्रेम लखन सन कहाई सन काई बचन सप्रेम लखन सन कहई क्या देख रहा हूं ये निषाद प्रिया को से क्या देख रहा है महाप्रभु श्री राम इस प्रकार पत्तों कुसाओं की साथरी में शयन कर रहे हैं अरे भूपति भवन सुहाव सुहावा सुरपत सदन पत्तर पावा राजा दशरथ का राजमहल स्वभाव से सुंदर है जिसकी समता वो इंद्र का इंद्र भवन भी नहीं कर सकता मन में रचित चार चौबारे जन रथ पथ निज हाथ सवारे जहां बनियों से ते दीप्तमान सुंदर चौबारे लगे हुए हैं मानो रथ के पति कामदेव ने अपने हाथों से संवारा हो सुच सुविचित्र सुभोग में सुमन सुगंध सुवास पलंग मंजमण दीप जहां सब विध सकल सुपास जहां हर एक प्रकार का आराम है ए विविध वसन उपधान तुराई क्षीर फेन मृत विशद सुहाई जहां पर श्री राम शयन करते थे दूध के फेन के समान कोमल उज्जवल वस्त्र तहसी राम सयन निस करई निज छबे रति मनोज मधुहरई तहां पर सीताराम नित्य प्रति ही सयन करते थे अरे रति के पति कामदेव की शोभा को भी लज्जित कर देते थे मात पिता परिजन पुरवासी सखा सुशील दास अरुदासी जो कोई जी नहीं प्राण की नाई मई सोवत वो राम गोसाई जहां सुंदर सभी लोग प्राणों के समान रखते थे लक्ष्मण जी आपकी माता कैकेयी क्या संसार के प्राणियों से अलग है जब ये सब प्रिय जहां लग प्राणी जहां तक प्राणी है वहां तक ये प्रिय है तो कैकेयी के लिए अप्रिय कैसे हो गए अरे कैसे उस कुटिल बुद्धि ने अपने हृदय पर पत्थर रख करके होने वाले राजा को वैरागी बना करके 14 वर्षों के लिए भेज दिया अतीत की स्मृति 31 बनकर हृदय में कसक उठती है एक ज्योत क्या बुझी धरा से अरे वो सौ सौ दीपक अस्त हो गए किरण किरण हो गई अमावस चांद सितारे अस्त हो गई कली कली का गला घुट गया सुरभ सुरभ की सुरभ खो गई एक राम क्या गया गांठ से सारा अवध राख हो गया तन गुलाब था मन गुलाब था धड़कन का कण कण गुलाब था अरे ओ क्रीट मुकुट धारी तेरा जीवन छड़ छड़ गुलाब था नियत को मंजूर नहीं था राजा बंदा कैकेयी ने इतना कठोर प्रण कैसे कर लिया देखता हूं जब दूसरी तरफ
पिता जनक जग विदित प्रभाव, जिनके पिता महाराज जनक हैं, जिनका प्रभाव संपूर्ण संसार में है, ससुर सुरेश सखा रघुराव, जिनके ससुर देवराज इंद्र के मित्र हैं, देवराज इंद्र आधा सिंहासन देता है। अरे कहाँ तक कहूँ, रामचंद्र पति सो वैदही मही सोवतो विधि बाम न के ही, जिनके पति स्वयं भगवान रामचंद्र हैं, आज वो वैदही पृथ्वी पर शयन कर रही है। अरे विधाता विधाता किसके बाम हो जाए ये कहा नहीं जा सकता, हा ये कहा नहीं जा सकता। नहीं तो विचार करो, सी रघुवीर की कानन जोगू, क्या सीताराम वन के योग्य थे, पर कर्म प्रधान, कर्म प्रधान सत्य कह लोगू, लोग कहते हैं कर्म प्रधान, तो क्या लक्ष्मण जी कर्म प्रधान, तो क्या इनके कर्म जो आज ऐसा मिल रहा है, या कैकेयी के कर्म? अरे अरे वो कैकेयी नंदन मंदमती, लक्ष्मण जी बुरा मत मानना, आपकी माता है, पर वो राजा कैकेयी की पुत्री है, वो मंदमती कठिन कुटिल प्रण की, जिम रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। ये तो सुख का समय था, अभी तो सीताराम का विवाह हो करके आया था, लेकिन उस कैकेयी ने इतनी बड़ी कुमत किया है, भाई दिन कर कुल विटप कुठारी, सूर कुल रूपी वृक्ष को काटने के लिए वो कुल्हारी हुई है कुमत कीन। आज अकेले निषाद नहीं रो रहा, अकेले निषाद नहीं रो रहा, जो जो लोग इस जोगिया वेश को देखेंगे अपने आंसुओं को नहीं रोक पाएंगे, कुमत कीन भय विश्व दुखारी, आज कैकेयी की कुमत से पूरा विश्व दुखी है। वो दशरथ के हृदय का टुकड़ा जो प्राणों तक को वेद गया, दर्द का एक तूफान उठा और अंबर तल को छेद गया, सही की चंद्र लकीरों में ये दर्द से सकता जोरों का, हर शब्द का एक सैलाब बना था, व्याकुलता के तीरों से राय ताकती होंगी दशरथ की, जल ही जल बरसाती होंगी। अरे वो पत्थर सिसकी लेता होगा जब याद राम की आती होगी, गोदी किसी की सुनी कर सिंदूर किसी का पहुंच गया, दर्द का एक तूफान उठा रुअंबर तल को छेद गया। निषाद देख करके व्याकुल हुए और अपनी बात लक्ष्मण जी से कही, जानकी को सोते हुए देखा तो सोचने लगे कि रामचंद्र जिनके पति हों, चक्रवर्ती दशरथ जैसा ससुर हो, विधाता निश्चित ही कभी कभी बाम होता है और सबके बाम होता है। कवितावली में तुलसी ने बहुत अच्छा मर्म दिया, जानकी तो इतनी सुकुमार है, इतनी कोमल है कि पुरते निकसी रघुवीर बधु, धर धीर दये मग में डग द्वे, झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए अधराधर या मधुराधर भी। फिर बूझती हैं जानकी, पूछ रही, दो कदम चली और पूछने लगी, चलनो अब कैतिक, अभी तो 14 वर्ष की यात्रा है, और दो कदम चलने के बाद जानकी पूछ रही हैं, अब बूझत है चलनो अब कैतिक, पर्ण कुटी करियो कित हुई, तियकी लख आतुरता, पियकी अखियां भर चली जलत छुए। तो मेरे सरकार को एक कष्ट नहीं है,
जानकी पैदल चल रही हैं, साथरी पर सो रही हैं, इस कष्ट को भी राम जी अपने भीतर छुपाए हुए और सुंदर लीला कर रहे हैं। आइए अब सुनते हैं निषाद राज। भयव निषाद भयव विषाद निषाद ही भारी राम सीय मही सयन निहारी बोले लखन मधुर मृदु बानी ज्ञान विराग भगति रस सानी। निखात राज स्वामी, तुमने प्रभु को कुश की साथरी में सोता हुआ देखा, तुम्हें अपार कष्ट हुआ। कष्ट होना भी चाहिए क्योंकि आपका प्रेम प्रभु श्री राम जी के चरणों के प्रति है, और जिस व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं उस व्यक्ति के ऊपर कदाचित कोई आपत्ति भी आ जाए तो हम परमात्मा को भी दोष लगाने में हिचकिचाते नहीं, क्योंकि हमारा प्रेम उस व्यक्ति के प्रति है, और उस व्यक्ति पर अगर आपत्ति आई है, कोई संकट आया है, तो परमात्मा को भी दोषी ठहराने में हमें कोई संकोच नहीं होता है। और इसी का उदाहरण आपने भी प्रस्तुत कर दिया। ज्यों ही प्रभु को सोता हुआ देखा तो आपने हमारी माता कैकेयी पर भी एक दोष लगा दिया। कैकेयी नंदन मंद मति, वो मंद मति है। अरे मित्र, ये लगता है हम लोगों को कि हमको इसने कष्ट दिया है, इसने सुख दिया है, इनके रहने से हमें सुख की अनुभूति होती है, इनके बिछुड़ने से हमें कष्ट का अनुभव होता है। ये तो सांसारिक कालचक्र है। सच्चाई ये है, यथार्थ तो ये है कि काहू न को सुख दुख कर दाता। न कोई किसी को सुख देता है, न कोई किसी को दुख देता है। ये सब अपने कर्मों का भोग होता है। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सब अपने किए हुए कर्मों का भोग प्राप्त करते हैं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। फिर मिलना बिछुड़ना योग वियोग भोग फल मंदा हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा जन्म मरण जहां लग जग जालू संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालू। सांसारिक काल चक्र है। संसार में व्यक्ति पैदा होता है, श्रम करता है, और ज्यों ही व्यक्ति श्रमित हो जाता है तो उसे नींद आ जाती है, और जब वह व्यक्ति सो जाता है तो कभी कभी सोते में अचानक वो स्वप्न देखने लगता है। सपने होई भिखारी नप। एक भिखारी था, दिन भर उसने भीख मांगी, रात को श्रमित हुआ विश्राम करने लगा, अचानक उसे स्वप्न दिखाई पड़ा कि मैं तो राजा इंद्र हो गया हूं। राजा इंद्र को दिखाई पड़ा कि मैं भिखारी हो गया हूं। लेकिन जिस समय भिखारी जगा तो जगने में भिखारी इंद्र नहीं हुआ था, भिखारी भिखारी ही था। और राजा इंद्र जो सोच रहे थे, स्वप्न देखा था कि मैं भिखारी हो गया हूं, तो वो भिखारी भी नहीं हुए थे। सपने होई भिखारी नप। रंक नाक पति होए पर जागे लाभ न हान कछु। जागने पर ना भिखारी को लाभ है और ना देवराज इंद्र को कोई हानि है। जिम प्रपंच जिय जोए अस विचार। ऐसा विचार करके नहीं,
कीजिए रोसो, ऐसा विचार करके भी क्रोध करना मित्रवर आपके लिए उचित नहीं है। और कहिए बादिना दे दोषु, और दोष देना भी उचित नहीं है, क्योंकि ये तो मोह निशा सब सोवन हारा, देखें सपन अनेक प्रकारा। इस संसार रूपी रात्र में सभी सोते हैं, अनेक प्रकार के स्वप्न देखते हैं, लेकिन इस संसार रूपी रात्र में कोई जगता भी है, यही जग जामिनी जागही योगी परमारथी प्रपंच वियोगी। जो संसार को छोड़ करके वियोगी का जीवन यापन करते हैं, वैरागी का जीवन यापन करते हैं, वो इस संसार के काल चक्र में नहीं पड़ते हैं। सखा सखा परम परमार्थ हूँ, संसार का सबसे बड़ा परमार्थ तो केवल एक है, मन क्रम बचन राम पद ने हूँ। क्यों? क्योंकि जिनको सोता देख रहे हो ये साधारण नहीं है, ये राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अलख अनादि अनूपा सकल विकार रहित गत भेदा और कहीं नित नेत निरूपहीं वेदा। मित्र संसार को देखो, सब सो रहे हैं, कोई जगने वाला नहीं है। या संसार सपना बतू गए उन्नति अवनति का धोखा है, सपने का राजा और रंग का होना अनहोना मिथ्या है। रूपी रात्रि है इसमें योगी लोग जगा करते हैं, अरु अज्ञानी जनता सोती है, वो ही जग पाते हैं इस जग में, जिस पर कृपा राम की होती है। अपने कष्ट का त्याग करो, आओ हम दोनों लोग प्रभु के चरणों की सेवा करें। हमारा और आपका कर्म केवल सेवा है, दुख सुख केवल सेवा। आइए लक्ष्मण जी महाराज ने निषाद का विषाद अपने शब्दों से हर लिया, बहुत सुंदर उपदेश दिया। मैंने एक छठवें सर्ग और व्यास द्वारा रचित रामायण में पढ़ा कि सुखस मध्ये दुखम और दुखस मध्ये सुखम, सुख के मध्य में दुख छिपा रहता है और दुख के मध्य में सुख छिपा रहता है। तो पूछा ये क्यों छुपा रहता है? बोले पूर्व कर्म निहितम, क्योंकि इसी सुख और दुख में हमारे पूर्व जन्म के कर्म भी निहित होते। तो मानो लक्ष्मण जी ने सार बताया
कि हमारे पूर्व जो कर्म हैं, संचित कर्म हैं, वही हमें सुख और दुख का फल देते हैं। लेकिन सुख में दुख और दुख में सुख, जैसे जल के भीतर अग्नि होती है, ऐसे ही सुख के भीतर दुख भी होता है। ऐसा समझते हुए निषाद का विषाद दूर हुआ। कहत राम गुण भाभिनु सारा, कहत राम गुण भाभिनु सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। अनुज सहित सकल सोच करे राम नहावा, सकल सोच करे राम नहावा, राम नहावा, राम नहावा, राम नहावा, राम नहावा। सुचि सुजान सुचि सुजान बट छीर मंगावा, सुचि सुजा बट छीर मंगावा, बट छीर मंगावा, बट छीर मंगावा। हे तात, मैं चाहता हूं कि तुम बड़ का दूध ले आओ, जिससे मैं अपने इन केसों को परिवर्तित कर सकूं। सुचि बट का दूध लाया जाए, बट छीर मंगावा, सुचि सुजान बट छीर मंगावा, सुचि सुजाना बट छीरु मंगावा। अनुज सहित अनुज सहित सिर जटा बनाए, अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखी सुमन देखी सुमंत्र नयन जल छाए, नयन जल छाए, नयन जल छाए, देखी सुमंत्र नयन जल छाए, हृदय हृदय अति बदन मलीना, हृदय अति बदन मलीना, अति बदन मलीना, कह कर जोरी बचन पति मंत जी के नेत्रों में जल आ गया, मनो जल कह रहा है सुमंत, जिसको गोद में खिलाया, जिसके उत्पन्न होने के लिए तुमने चक्रवर्ती को
एक प्रेरणा दी कि पुत्रेष्ठ यज्ञ का परामर्श सुमंत ने ही दिया था, जो बहुत लंबे समय से इस रूप को देखने के लिए इस वंश में मंत्री बना हुआ है। वृद्धापा आ गया, लेकिन वो सुमंत के नेत्र राम को इस रूप में देख नहीं सकते थे, इसलिए बीच में जल आ गया कि भरपूर नहीं देख सकते, इसलिए जल ने दृष्टि को बाधित कर दिया। यहाँ जल कहा कर जो नाथ बस बस करे नाथ, इन नेत्रों ने इतना नहीं देखा, इससे अधिक नहीं देख सकते ये नेत्र, इतनी सामर्थ्य इन नेत्रों की। जिन केसों में न जाने कितनी दास दासियां पीछे पीछे सुगंधित तेलों को लगाने के लिए ललायत रहती थी, वो बाल आज इस काका सुमंत के सामने बरगद के दूध से बनाए जा। अंबा कहके ही की आज्ञा है, एक अकस्मत कुछ तो लगता होगा, विश्वास का धरातल बना के भेजा गया है, महल विश्वास का है, निराशा की ठोकर से उसको गिरा मत देना राम। मेरे महाराज दशरथ जी ने मुझे बड़े विश्वास के साथ भेजा है कि सुमंत तुम जाओ लेके राम को, हो चुकी वो कह के किया क्या, बन में सरकार विराज चुके बहुत गगने पे प्रभु वरदानों के घन गाज चुके, इसलिए अवध को चलिए जनता जीवित हो जा, अपने राजा को वो सभा मत, अब वही मुकुट पहनाएगी। नाथ कहे उस कौशल ना जाबू राम के था, वन दिखाई सुर सरियनवाई, आने उठेरी बेग दो कहेंगे, बोले सुमंत लखन राम दिए आने हूँ फेरी, असंशय सकल सकोच निवेरी। कोई सोच मत करना है नाथ, बस कहे गोताई जत कहीं करो बलिसोई, करी बिनती पायन ऐसा न करेगा दीन बाल जिम रोई दीन बाल जिमी रोई।
मंत्री ही राम उठा प्रबोधा तात धर्म मतु तुम सब सोधा। हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला और फिर आप इस तरह से व्याकुल हो रहे हैं। अरे मैंने तो आप लोगों से ही धर्म पर चलना सीखा है, आप ही छोटे में मुझे सिखाया करते थे कि व्यक्ति को सदैव धर्म के पथ पर ही अग्रसर होना चाहिए। और आज जब मैं उसी पथ पर चल रहा हूं तो आप अपने नेत्रों में जल भर करके मुझसे ये क्या कह रहे हैं तात, मुझसे ये क्या कह रहे हैं? अरे हमारे बहुत से पूर्वज जिन्होंने धर्म को धारण किया और अनेकों संकट सहे, सिबी दधीच हरिचंद नरेसा सहे धर्म हित कोटि कलेसा, रंति देव बलि भूप सुजाना धर्म धरव सहे संकट नाना। इन्होंने करुण कष्ट सहे लेकिन धर्म को धारण किया, धर्म के मार्ग पर चले। अरे इतना ही नहीं, मैंने तो वही धर्म बड़ी सुलभता से पा लिया।